हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुरु पूर्णिमा पर मंदिरों में लगी भक्तों की कतारें, गुरु पूजन कर चरणों ने नवाया शीश। शहर समेत उपखंड क्षेत्र में शनिवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व उत्साह व उमंग के साथ मनाया गया। आश्रमों में अल सुबह से शुरू हुआ गुरु पूजन देर रात तक जारी रहा। मठ मंदिर आश्रमों में बिराजे गुरु भगवंतों का आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों की कतारें लगी रही। शहर के नदी ढलान स्थित हनुमान जी मंदिर, नीलकंठ पहाड़ी स्थित चामुंडा माता मंदिर, रामनगर व अन्य आश्रम समेत विभिन्न धार्मिक स्थल पर गुरुजनों का आशीर्वाद पाने पहुंचे भक्तों से दिन भर रौनक रही। वहीं संतों के प्रवचन भजन कीर्तन से माहौल धर्ममय हो गया। बाली तहसील के पाचलवाड़ा गांव के समीप स्थित अंजनेश्वर महादेव मंदिर व श्री नरेश नाथ जी महाराज की धुनी पर गुरु पूनम कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भक्तों ने गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा व अंजनेश्वर महादेव के दर्शन का लाभ लिया। इसके बाद लोग समेत शिष्य ने गुरु नाथ जी महाराज के चरण स्पर्श कर वंदन का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर योगी नरेश नाथ जी महाराज ने कहा कि गुरु बिना मोक्ष पाना मुश्किल है, इसीलिए गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। उन्होंने भक्तजनों को गुरु पूनम के पर्व का महत्व समझाते हुए खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया। समारोह में पूर्व सांसद बद्रीराम झाकड़, पूर्व ऊर्जा मंत्री बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत समेत कई जनप्रतिनिधियों ने मंदिर पहुंचकर गुरु नरेश नाथ जी महाराज से आशीर्वाद लिया। महाराज ने सदैव सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। मंदिर परिसर में पाचलवाड़ा, दांतीवाड़ा, बाली, सुमेरपुर, शिवगंज, फालना, सांडेरा समेत आसपास के गांवों के भक्तों की भीड़ रही। जागरूक टीवी के सुमेरपुर से शंभुलाल परमार की रिपोर्ट।